सही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपकी स्वागत करता हूं और इस वक्त मैं अपने पुराने फेवरेट जगह जहां बार बार आया करता हूं और बार बार आपको ब्लॉग बना के दिखाया करता हूं, तो ये जगह है, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे ना तो समझ गए होंगे, ये जगह मैं बात कर रहा हूँ दुबई मॉल की। ये काफ़ी बड़ा एक स्पाइडर है, लेट्स सी। तो भाई आपको सबसे पहले मैं स्पाइडर दिखाता हूँ। तो ये दुबई मॉल में एंड आई होप कि दुबई मॉल आपने जितनी बार देखा होगा, आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने दुबई मॉल को पूरा देख लिया। सो गाइस लेट्स एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करने तो नहीं आया हूँ सही मायने में, मैं यहाँ पे आया हूँ दो काम से। एक, मैं अपने फ़ोन का एयरपॉड लेने आया था। तो भाई मुझे जाना है एप्पल स्टोर और एप्पल स्टोर का रास्ता मुझे याद तो नहीं, तो इस वक्त मैं दुबई मॉल में ढूंढ रहा हूँ एप्पल स्टोर। अक्सर इस जगह पे जो है मुझे इतनी बार भी आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एक पर्टिकुलर जगह ढूँढने में। तो गाइस दुबई मॉल हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग करता रहता है, अलग थीम पे ही सजावट होती रहती है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो। सो फिलहाल मैं इस वक्त ढूंढ रहा हूँ एप्पल स्टोर और गाइस यहाँ पे आने के बाद हमेशा ही ऐसा लगता है कि आप जो जगह ढूंढना चाहते हो मिलता नहीं है क्योंकि इतना बड़ा ये मॉल है। तो चलिए एप्पल स्टोर ढूंढते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाके कुछ लेते हैं। ये एक अलग क्रिसमस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए होते हैं और ये एरो के हिसाब से लिखा हुआ है कि किस तरह घुमाया है। ये मेरे को ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी सारे ही प्यारे लग रहे हैं, कोई एक कोई एक पर्टिकुलर तो नहीं, और ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा बच्चों का ही एरिया है। ये देखिए क्या ही खूबसूरत थीम पे इन्होंने सजा रखा है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। अगर ऐसे देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये रियल है या बनाया हुआ एक काइंड ऑफ रेप्लिका है। और ये हैमले का स्टोर है, तो ऑब्वियसली हैमले बच्चों के लिए फेमस टॉय स्टोर है। और ये बंदे देखो, गाइस दुबई मॉल की वन ऑफ द मोस्ट फोटो लेने वाली जगह है और ये जगह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जगह है। और ये एक फाउंटेन है जहाँ पे आपको जंप करते हुए कुछ इंसान का एक रेप्लिका दिख रहा होगा। एंड नीचे आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग, काफ़ी भीड़, और वो रहा क्रिसमस के हिसाब से पूरी सजावट। एंड ये रहा मॉल के अंदर का एक नज़ारा, लेट्स गो एंड एप्पल स्टोर की तरफ। वैसे यहाँ की एक और मोस्ट फेमस, काफ़ी फेमस है एक्टिविटीज़ है, आइस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। लेट मी शो यू, काफ़ी एक्साइटिंग है, मैंने अपनी लाइफ में जस्ट वन टाइम मैंने किया हुआ है एंड दिस इज़ द वन, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग लगता है मुझे, बहुत ज़बरदस्त लगता है, मैंने जस्ट एक बार किया हुआ है अभी तक, बट ये आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है, इट्स नॉट ईजी। इसमें बहुत फिसलन है, नीचे पूरा आइस है और ये जो सूज दिख रहा है ना, ये सूज के नीचे एक पतला सा लोहे की एक पट्टी टाइप की होती है, उसी पे स्लिप कर रहा होता है। ये जो लड़की लेके घूम रही है ना पेंगुइन, ये एक सपोर्ट के लिए, जो न्यूली पर्सन होते हैं ना, वो बच्चा भी देख रहे होंगे आप, सो फॉर देम इट इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, अदरवाइज ये जस्ट स्टैंड होना इट्स नॉट ईजी। US पोलो असाइन, ये गाइस मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने कानपुर सिटी से पहना हुआ एक टाइम पे, ये कैट का शोरूम है, तो यहाँ के सूज बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली रफ एंड टफ टाइप। सो गाइस एप्पल स्टोर ढूंढने निकला था एंड स्टिल एप्पल स्टोर से मैं भटका हुआ हूँ, मैं आई थिंक जहाँ तक लगता है अपोजिट ही डायरेक्शन में आ रहा हूँ, बट ओके लेट्स फाइंड इट अगेन। और ये जो जाली लगाया है ना, ये इसलिए लगाया गया है ताकि कोई चीज़ अगर नीचे गिरे तो किसी को चोट ना लगे, तो काइंड ऑफ जैसे मैं मोबाइल पकड़ा हूँ तो मे बी मोबाइल किसी के हाथ से स्लिप हो जाए ड्यूरिंग फोटोग्राफ, तो ये सेफ्टी पर्पज़ से लगाया गया है, जो नेट आप देख रहे हो स्पेशली इधर ही साइड लगाया, उस तरफ तो कोई हाइट पे एलिवेशन पे तो कोई रहता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातों का
ख्याल रखा जाए। तो मैं एक सेफ्टी पर्सनल हूँ तो मैं जानता हूँ कि सेफ्टी की अहमियत क्या होती है। एंड वो गाइस जो दिख रहा है ना बीच में, आप देखिए वो चेयर है, तो ये जो पूरे स्क्रीन के बीच में जो विंडो टाइप का जो एरिया लग रहा है, ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं और यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ये फूड कोर्ट है दुबई मॉल का, तो फूड कोर्ट, और ये रहा सिनेमा। तो यहाँ पे पिक्चर देख, लास्ट टाइम एक ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, मूवी देखने गया था, जवान देखने गया था। यस तो गाइस अभी तो फ़िलहाल घूम ही रहा हूँ, आईफोन स्टोर ढूंढने निकला था और लगता है कि मैं आईफोन स्टोर तो नहीं ढूंढ पाया, एप्पल स्टोर, लेकिन मैं घूम रहा हूँ। आई डोंट नो सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, लेकिन पूछना पड़ेगा। और ये आप देखें रूफ टॉप, पूरे ग्लास का रूफ टॉप। चारों तरफ कपड़े का काइंड ऑफ ये फैशन फ्लोर कह सकते हैं, कपड़े ज़्यादा इधर दिखते हैं, आई मीन कपड़े के भी ज़्यादा स्टोर हैं। और अभी जो कलेक्शन मैक्सिमम है विंटर कलेक्शन, आप देख सकते हो विंटर कलेक्शन दिख रहा है, तो अभी विंटर कलेक्शन का भरमार है क्योंकि अभी जो मंथ है वो दिसंबर चल रहा है, एंड ऑफ दिसंबर। जनवरी से यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। हर स्टोर ने लगभग लगभग ना क्रिसमस ट्री बनाई हुई है और काफ़ी डेकोरेट किया हुआ, बिकॉज न्यू ईयर करीब है एंड ऑब्वियसली क्रिसमस 25 को है। सो लेट्स गो डाउन स्टेयर फ्रॉम हेयर, नीचे चलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि दुबई मॉल को पूरा मैं घूम घूम के ना चेक कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये रहा सेंटर पॉइंट, काफ़ी फेमस ये भी है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं, छोटे छोटे यहाँ पे हर जगह आपको जो है ना गैलरी लाइफ स्टाइल। और ये ग्लास का है, और ये गाइस देखिए खादी, ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड है और इंडियन ड्रेसेस हैं, यू कैन सी ओवर हियर। सो अभी मैं एक फ्लोर नीचे आ गया हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है मैं इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, सेकेंड फ्लोर था ऊपर का, यू कैन सी। फ्लोर भी देखिए कितना साफ है, सूज वगैरह के हैं शॉप। गाइस थोड़ा लंबा ब्लॉग हो सकता है। सो गाइस ये चाइनीज सेक्शन, लेट मी शो यू, ये पूरा जो एरिया डेडिकेटेड है ये चाइनीज सेक्शन है। लास्ट एक ब्लॉग ऐसा है जिसमें मैंने ये जगह दिखाया था, दुबई मॉल इमार, और ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ना ये पूरे चाइनीज, यहाँ पे शॉप चाइनीज प्रोडक्ट। तो यहाँ के आप रेड कलर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एंड यू कैन सी लाइटिंग्स, खूबसूरत लाइटिंग। लास्ट टाइम मेरे फ़ोन इतना अच्छा क्वालिटी नहीं था तो आपको उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आप देखो अभी फिलहाल। तो क्या ये खूबसूरत नज़ारा है, और ये सारे चाइनीज़ लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने बने हुए ब्रांड्स को यहाँ पे बेच रहे हैं, चाइनीज़ यूजुअली चाइनीज़ प्रोडक्ट है। MI ऑलरेडी आपको पता होगा चाइनीज़ ब्रांड है। सो एक छोटा सा झलक यहाँ पे ले लेते हैं, पूरा तो नहीं घूमेंगे, ये टोटल MI के प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे टेडी बियर से इन लोगों ने लिखा हुआ आई लव दुबई, Xiaomi का, और चाइनीज़ में लिखा भी हुआ है जो कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता हूँ। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, और ये रहा रिक्शा, और ऑब्वियसली ये चाइनीज़ रिक्शा ही होगा। थोड़ा इस पर बैठते हैं, रिक्शा चलाने का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। भाई साहब इसमें एक में तो पैडल है, एक का टूटा हुआ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उधर है, इधर नहीं है, और ये ऐसा कुछ दिखता है। लाइटिंग बिल्कुल डिफरेंट है, और
ये टोटल चाइनीज सेक्शन है, यहाँ पे डेडिकेटेड चाइनीज ओनली चीज़ें मिलती हैं। आप ये देखिए चाइनीज क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, जो ऊपर इन्होंने लाइट को हैंग किया हुआ रूफ पे। दिस इज़ द बेस्ट। यहाँ पे चाइना टाउन, शाहरुख खान, डंकी, ये रहा इनका टेलर। तो भाई ये दुबई मॉल में आप इतनी बड़ी जगह पे टेलर देख लीजिए, और ये आ रही 21 दिसंबर 2023 में रियल सिनेमा में, जो कि यहीं पे और भी दूसरे मूवी के ये एडवर्टीजमेंट है। लेट्स गो। सो गाइस डंकी मैं देखने तो ज़रूर आ रहा हूँ, उसमें ब्लॉग भी बनाऊँगा। अब मुझे पता नहीं है कि टिकट सेम डे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ इतना आसान भी नहीं है। और गाइस देखिए सबको निकाल के ये आइस को मेंटेन करने वाली मशीन है, यू कैन सी। साफ सफाई का बहुत ख्याल है, फर्श देख के आपको अंदाजा लग गया होगा। मॉल के अंदर हर चीज़ मिल जाता है, इवन आपको होम डेक्योर, सोफ़ा वगैरह सारी चीज़। ये रहा रेस्टोरेंट, अंदर से नज़ारा देखिए भाई, बेड वगैरह सब कुछ, क्या बात है, अलग ही टाइप का चेयर है। वो देख सकते हैं एप्पल का लोगो फाइनली मिल गया भाई, बहुत ज़्यादा घूमने के बाद फाइनली मिल गया। एंड आई एम गोइंग एप्पल स्टोर, और इतना ज़्यादा दौड़ भाग करने के बाद स्टोर चलते हैं, और जो मुझे लेना है ना, छोटा सा एक्सेसरीज है, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, मैं कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं लेने आ रहा, बट लेट मी सी कि क्या प्राइस में मिलता है, थोड़ा महंगा होगा। ये रहा जहाँ पे मैं आया हूँ, iPhone 15 Pro। सो ये Apple TV है, ये एक्रेड है गेम के लिए। बाहर का नज़ारा है गाइस। सो मैं आया हूँ एसेसरीज लेने, लेट मी चेक एसेसरीज। मुझे प्रोडक्ट चाहिए था ना, वो एक्चुअल में इसके नीचे वाले फ्लोर पे है, तो मुझे बताया गया कि गो टू डाउन स्टेयर। ये आ गया, वो वाला जो फ्लोर था इसके ऊपर वाला, वो ओनली रिपेयरिंग के लिए था, और आप प्रोडक्ट देख सकते हो, इसीलिए वहाँ पे भीड़ भी उतना ज़्यादा नहीं था, यहाँ भीड़ ज़्यादा है। सो यहाँ पे मेरे को कवर भी लेने का इंटरेस्ट बन रहा है, देखते हैं। आईफोन एयरटैग, चलिए भाई यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें, एयरटैग तो नहीं लेना बिल्कुल। ये रहा एयरटैग, मेरे को बोला टेबल नंबर 1, 2, 3, ये 3 है, यहाँ पूछ। सो गाइस फाइनली आईफोन, सो गाइस टाइम टू एंड द ब्लॉग, और ब्लॉग ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो सकता, हो गया होगा। एप्पल स्टोर से मैंने सारी एसेसरीज जो मुझे लेना था, बिकॉज एप्पल स्टोर से लेने के पीछे पर्पस, सो सारी एसेसरीज जो लेना था मैंने ले लिया है। एप्पल स्टोर से लेने के पीछे रीज़न ये है कि मेरे को बिल्कुल ओरिजिनल ही चीज़ चाहिए था। वैसे तो अदर स्टोर पे भी आपको ओरिजिनल मिल जाएगा और वहाँ बारगेन भी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में था कि बिल्कुल आईफोन एप्पल स्टोर से और दुबई मॉल के स्टोर से ही, और वो मैंने किया। जस्ट लेके अब जस्ट वापस जा रहा हूँ। व्लॉग में आज मैंने जो कुछ भी दिखाया, आज मेरा पर्पस ही नहीं था घूमने के लिए या फिर कुछ खाने पीने के लिए, तो खाना पीना तो अब रूम पे जाके खाएंगे। और व्लॉग में बस यही था कि आज जो भी मैं एक रैंडम शॉपिंग करने का प्लान करके आया, आई मीन एप्पल फ़ोन, आईफोन की एसेसरीज के लिए, सो वही सारी चीज़ें दिखाया आपको, दैट इज़ ओनली आई शेयर्ड यू। लेट्स गो एंड एंड द ब्लॉग, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वही बात, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, और कोई नई जगह होगी और अच्छी जगह होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।